भारत में मौजूद कनाडाई मिशनों में कटौती अब तक पूरी नहीं हो पाई है। कनाडा नहीं चाहता है कि भारत ने जो डिप्लोमेटिक बराबरी का प्रस्ताव रखा है उस पर अमल हो। दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर जारी है। कनाडाई मीडिया के रिपोर्ट्स में छपी है कि उनके कई डिप्लोमेट्स भारत की ओर से मिली डेडलाइन खत्म होने के बावजूद जमे रहे। भारत सरकार ने इनका खंडन नहीं किया, जबकि उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म करने की धमकी दी जा चुकी थी। सूत्रों के हवाले से छपा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की अपनी कनाडाई समकक्ष मेलानी जूली से सीक्रेट मीटिंग हुई है। जहां रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दोनों नेता वॉशिंगटन में मिले और खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से उपजे कूटनीतिक गतिविधि पर चर्चा की। अमेरिका ने कई मौकों पर कहा कि वो चाहता है कि कनाडा निज्जर की हत्या की जांच कर रहा है। अगर जोली और जयशंकर की कोई मुलाकात हुई हो तब तक ये साफ नहीं है कि इनमें अमेरिका की भूमिका नहीं है। उधर कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो लगातार खालिस्तान मुद्दों को हवा दे रहे हैं। इसराइल हमास युद्ध के बारे में बात करने के लिए यूएई और जॉर्डन के नेताओं को फोन लगाया तो ट्रूडो ने उनसे भी भारत और कनाडा में तनातनी की कहानी कह डाली। एक तरफ जोली कहती है कि कनाडा निज्जर मुद्दों पर भारत के साथ निजी तौर पर काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कनाडा हत्या की जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत पर दबाव बनाने के लिए अन्य देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों का इस्तेमाल कर रहा है। ट्रूडो के इस दावे के बाद से निज्जर हत्या में भारत की भूमिका के बारे में विश्वसनीय आरोप थे। भारत ने कनाडा से डिप्लोमेटिक मौजूदगी में बराबरी रखने को कहा था। ये भी आरोप लगाया था कि कनाडाई डिप्लोमेट्स भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। हालांकि एफटी रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा ने भारत के स्तर को खारिज कर दिया है कि राजनीतिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन ने बराबरी की उसके आह्वान को उचित ठहराया है। रिपोर्ट्स की माने तो विदेशी मामलों पर कनाडाई सीनेट समिति के अध्यक्ष पीटर बोहेम के हवाले से कहा गया है कि संधि में ऐसा कुछ भी नहीं था जो राजनयिकों की संख्या की सामान्यता और एकतरफा संख्या तय करने की बात करता है।